जाते हैं, हनुमान जी जो अंदर जाते हैं इसके, जो ऊपर के लिए प्रस्थान करते हैं, तो इसके अंदर से जाते हैं। इसके अंदर तो दोस्तों आज हम आए हैं दुबई के रामलीला मैदान में, तो चलो आइए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो इस पर दोस्तों ये शिव जी की मूर्ति है, और जो पहले ये खाली थी, अब ये इसके अंदर थोड़ा ऊपर बना कर दिया गया है, तो उसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको पीछे ये चिमनी दिख रही है, यहाँ से हनुमान जी उतरते हैं, और हनुमान जी दुख जी उधर साइड उतरते हैं। और आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं हनुमान जी जो अंदर जाते हैं इसके, जो ऊपर के लिए प्रस्थान करते हैं, तो इसके अंदर से जाते हैं। इसके अंदर हनुमान जी इसके अंदर से जाते हैं, तो आज आइए अभी देखकर चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों इसी के अंदर से हनुमान जी ऊपर चढ़ते हैं, ये जो आपको रास्ता दिख रहा है इसी रास्ते के अनुसार ऊपर तक जाते हैं। देखो काफी आपको दिख रहा है कितना ऊंचा है, इस पर हनुमान जी उतरते हैं, उसके बाद पहले चढ़ते हैं अब उसका उतरते हैं। तो आइए इसके बाहर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कितना। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में राम जी की लीला होती है, और देखो ये दिख रहा है। तो थोड़ा दोस्तों इसके पास आया हूँ मैं, और ये रामलीला कमेटी फंड है बिल्डिंग, और इसके अंदर देखो ये कमरे बने हुए हैं। पैदल दिख रहा है यहाँ पर दुबई की पब्लिक, सब पब्लिक यहीं पे रामलीला सामने बैठकर देखती है। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको इस बिल्डिंग में जो खड़ा हूँ, इस जगह पर बिल्डिंग में रामलीला होती है, और ये दुबई का भव्य रामलीला मैदान है, और ये काफ़ी बड़ा भी है, और पब्लिक भी इसमें अच्छी आ जाती है जिस दिन इसमें हनुमान जी उतरते हैं। देखो सामने आपको चिमनी जो दिख रही है, जिस दिन इसमें हनुमान जी उतरते हैं तो इसमें इतनी भीड़ हो जाती है कि इसमें पब्लिक पूरी आ नहीं पाती है, तो कुछ छतों से देखते हैं कुछ लोग, और कुछ बाहर से भी देख पाते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी जो सामने चिमनी दिख रही है, यहाँ से पूरा रास्ता यहाँ तक बांधा जाता है, तो हनुमान जी इतनी दूर से यहाँ पर उतर जाते हैं नाइट में, और सब लाइटें भी बंद कर दी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ की जो रामलीला होती है, दुबई के पूरे 10 से 20 किलोमीटर के एरिया में विशाल रामलीला करी जाती है, जो लोग काफी दूर दूर से देखने आते हैं, और जिस दिन हनुमान जी उतरते हैं तो उस दिन तो काफी लोग बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और जो इस रामलीला पूरे मैदान में आ नहीं पाते हैं। और तो देखो रामलीला मैदान तो बड़ा तो काफ़ी है, मगर जब पब्लिक ज़्यादा आती है तो आ नहीं पाते हैं इसमें। दोस्तों हमने पूरा रामलीला का मैदान देख लिया है, दोस्तों हमने रामलीला मैदान पूरा देख लिया है, इसके बाद रावण दहन मैदान पर पहुँचते हैं। तो दोस्तों ये जगह देख रहे हो आप, ये जगह कितने वीरान सुनसान पड़ी है इस टाइम, मगर जब रावण दहन होता है इस जगह पर, यहाँ पर इतनी भीड़ और धूल मट्टी भी उठती है, और दुकानें लगाई जाती हैं, यहाँ पर मेला लगता है इस तरीके से, बहुत बड़ा मेला, तो इतना भीड़ हो जाती है यहाँ पर कि जगह नहीं बचती यहाँ पर बिल्कुल खड़ी होने की। तो दोस्तों यही वो जगह है यहाँ पर रावण दहन होता है। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को खत्म। आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें।